अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही। माँ मांगती रही एम्बुलेंस, मासूम ने तोड़ा था। बच्चे को गोद में लेकर रोती बिलखती रही माँ। शव ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस, शव को गोद में लेकर परिजन पैदल ही निकले गांव। सुशासन बाबू के राज में ये कैसा सुशासन। एक तरफ जहां पूरे देश में कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, तो वहीं बिहार की राजधानी से सटे जहानाबाद जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की लापरवाही सामने आई है, जहां एम्बुलेंस न मिलने की वजह से 3 साल के मासूम की जान चली गई। आरोप है कि इलाज के अभाव में मासूम ने मां की गोद में ही दम तोड़ दिया। हद तो तब हो गई जब मौत के बाद परिजन बच्चे को गोद में ही लिए रोते बिलखते अस्पताल को घर जाने को मजबूर हो गए। दरअसल अरवल के लाहरी साहोपुर गांव में एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने उसे इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्था में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए जहानाबाद रेफर कर दिया। लॉकडाउन के कारण परिजन किसी तरह ऑटो से जहानाबाद सदर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना रेफर कर दिया। लेकिन परिजन एम्बुलेंस के लिए लगभग 2 घंटे तक इधर उधर भटकते रहे और इलाज नहीं मिलने पर बच्चे ने दम तोड़ दिया। हद तो तब हो गई जब बच्चे की मौत होने के बाद भी शव घर ले जाने के लिए सरकारी स्तर पर कोई वाहन नहीं मिला। थक हार कर माँ अपने बच्चे के शव को गोद में ही लेकर अपने घर जहानाबाद से 25 किलोमीटर दूर लारी गांव के लिए निकल पड़ी। वहीं मासूम के पिता ने जहानाबाद सदर अस्पताल के कर्मियों पर आरोप लगाया है कि अगर समय रहते उन्हें एम्बुलेंस मिल जाती तो बच्चे की जान बच सकती थी, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। गिरिजेश कुमार ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से उन्हें किराए पर निजी गाड़ी नहीं मिली और अस्पताल ने भी एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की, इस वजह से उनके बेटे की जान चली गई। सरकारी हॉस्पिटल में वहाँ से रेफर किया, वहाँ भी एम्बुलेंस नहीं लाने के लिए कहा, तो हम टेम्पू से रिजर्व करके लाए जहानाबाद। जहानाबाद से हम बोले कि भाई साहब चलिए, मेरा बच्चा के सीरियस है, जल्दी चलिए। डॉक्टर साहब बोले कि ऑक्सीजन लगा के ले जाओ, वो बोला कि ऑक्सीजन लगा है, हम बोले कि ऑक्सीजन यहाँ नहीं लगाने के लिए। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं जी आप ले चलिए गाड़ी में, बोले लगाने के लिए, बाकी नहीं ले गया। लास्ट में 2 घंटा यार हो गया, 2 घंटा से ज्यादा हो गया था, मेरा बच्चा का प्राण चल गया। कहाँ लाए थे अभी, कहाँ कौन हॉस्पिटल में दिखाने के लिए? हाँ सरकारी हॉस्पिटल में, सदर बोलता है, कौन हॉस्पिटल बोलता है, जहानाबाद हॉस्पिटल। क्या हुआ था बच्चे के साथ, क्या बुखार सर्दी खांसी था? कितना दिन से था ये? करीब 1.5 दिन से था सर। 1.5 दिन से था, इसके पहले कहीं नहीं दिखाया है? हाँ दिखाए थे, विवेकानंद वीर दिखाए थे, ऐसे सरकारी हॉस्पिटल में भी दिखाए थे। हाँ। अभी स्थिति लॉकडाउन के चलते बंद था, है ना? लॉकडाउन के चलते बंद था, इसका नियम हम पूरा करने के लिए बच्चा के हम कहीं नहीं दूसरा गाड़ी से ले गया, सरकारी गाड़ी मेरे पास अवेलेबल मिला नहीं सर। तो अभी इसकी मौत हो गई, अब आप कहाँ जा रहे हैं? अब कहाँ जाएंगे सर, अब हम भी मरे गांव का करेंगे। इधर इस मामले को लेकर जब जिला अधिकारी नवीन कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले की जाँच कराई जाएगी, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। इसमें हमने कल ही सिविल सर्जन जहानाबाद और डिप्टी सुपरिटेंडेंट सदर हॉस्पिटल से हम लोगों ने स्पष्टीकरण प्राप्त किया है और एडीएम के की अध्यक्षता में हमने एक कमेटी बनाई थी, जिसका जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गया आज। और उस जांच रिपोर्ट में ये बात आई है कि 2 डॉक्टर्स जो उस समय ऑन ड्यूटी थे वो इसके लिए दोषी हैं, साथ ही साथ हेल्थ मैनेजर जिनकी जिम्मेवारी है कि एम्बुलेंस वगैरह या जो भी व्यवस्था है वो वहाँ सुनिश्चित कराना, यदि जो आउटसोर्सिंग एजेंसी जो हमारा है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो, और इसके अलावा जो ऑक्सीजन वगैरह लगाना था, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट करना था, उसमें 4 GNM की नर्सें थी वो भी इसके लिए जिम्मेवार है। तो इन सभी पर हम लोग
कठोर कार्रवाई की अनुशंसा कर रहे हैं और जिन पे यहाँ से कार्रवाई होनी है वो यहाँ से भी कार्रवाई करेंगे और बाकी लोगों के लिए बाकी लोगों का हम लोग कठोर कार्रवाई की अनुशंसा सरकार को भी भेज रहे हैं। अब तक कोई कार्रवाई हुआ है? अभी कार्रवाई हुई है, अभी तो हम लोगों ने वो अनुशंसा भेजा है और DPM जो वहाँ पे ये हेल्थ मैनेजर जो वहाँ पे है उनको सस्पेंड करने की कार्रवाई उनको हम लोगों ने स्पष्टीकरण किया और एक माह का नोटिस देकर उसको हम लोग टर्मिनेट करेंगे और JNM और ये है इस पर हम लोगों ने अनुशंसा कर दिया कार्रवाई करने का। किसकी लापरवाही सबसे पहले सामने आई है सर इस मामले में? इसमें दोनों डॉक्टर की लापरवाही है कि वो पेशेंट आए वो बच्चा आया और उनको इन लोगों को जो आकस्मिक सुविधा देनी चाहिए थी वो नहीं दिया गया इनके द्वारा और इसके बाद जो मेडिकल फैसिलिटी JNM के द्वारा वहाँ दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई और साथ ही साथ इसके बाद एम्बुलेंस जो उपलब्ध कराना था वो एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध जल्दी एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध कराया गया। समय इन चीज़ों में समय कम होता है शॉर्ट पीरियड की बात होती है तो तुरंत एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी वो थोड़ा विलंब हुआ उसमें। एम्बुलेंस शायद हॉस्पिटल में था उसके बाद हाँ एम्बुलेंस था उसके बावजूद एम्बुलेंस समय जल्दी नहीं उपलब्ध कराया गया जिस और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर जो 100 वाहन उपलब्ध कराना था वो भी फिर उपलब्ध नहीं कराया गया। ये भी एक काफ़ी मार्मिक बात है कि जो हॉस्पिटल प्रशासन था उसके द्वारा ये नहीं जो एम्बुलेंस का संचालक है सर जो प्राइवेट हाँ उस पर वो वहाँ पे जो सुपरवाइजर जो है वो उस पर भी हम लोग कार्रवाई के लिए लिख रहे हैं जो सुपरवाइजर है जो एम्बुलेंस का उस पर भी कार्रवाई। भले ही सरकार स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त करने को लेकर लाख दावे कर रही हो लेकिन आए दिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के मामले सामने आने से सरकार के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी गरीब के इलाज के अभाव में मौत हुई हो लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब केसरी TV के लिए जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।